देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो आयतित है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो ऋषि परंपरा से चली आई हुई है। चाहे उपनिषद की बात करें, चाहे वेद की बात करें, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य की बात करें, चाहे वो बुद्ध के हो, चाहे गुरु नानक देव, चाहे वो कबीर जी हो, चाहे गुरु घासीदास जी हो, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने सत्य की बात कही है। और यही बात मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी ने भी अपने जो जीवनी लिखा उसमें उन्होंने सत्य के प्रयोग, वो उनकी जीवनी रही है। तो सत्य की खोज निरंतर भारतवर्ष में होता रहा है हजारों साल से। भारतीय जनता पार्टी की जो आधार है वो झूठ का है, फरेब का है, और इसी कारण से इनके जो आदर्श हैं वो हिटलर है, मुसोलिनी है, जो लगातार एक झूठ को 100 बार बोलने से सच मालूम पड़ता है। तो इसी आधार पे पूरे देश में ये बरगलाने का काम, बहकाने का काम करते रहे। आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पहले पूरे देश भर में गणेश जी को दूध पिला दिया था। तो इसी प्रकार से जैसे जो हाइड्रल प्रोजेक्ट से जो पानी से जो बिजली बनाने की बात होती थी, तो ये लोग प्रचार करते थे कि बिजली पानी का पूरा करंट तो निकल गया, अब खेतों में जो पानी जाएगा उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। तो इनका आदर्श हिटलर और मुसोलिनी है, जो विदेश से आयातित इनके आइडियोलॉजी है। और संस्कृति भी आप देखेंगे तो ये बैंड लेके चलते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं, ये भारतीय परिधान नहीं है। और वो उसी से प्रेरित हैं और उसी के आधार पे काम करते हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि इस प्रदेश में यदि कोई नाखुश है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। बच्चा चाहे किसान हो, मजदूर हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग हो, युवा हो, व्यापारी हो, महिला हो, उद्योगपति ही क्यों न हो, वो सरकार को अपनी सरकार मानते हैं और इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं। शिकायत केवल भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, तो वो उसी पीच में हमेशा खेलेंगे, जो चाहे वो धर्मांतरण का हो चाहे सांप्रदायिकता का हो। देखिए, जहाँ तक के यूनिफॉर्म बनाने की बात है तो वो तो बुनकरों को दिया जाता रहा है, वो उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। रेडी टू ईट में लगभग 1900 शिकायतें हुई, जो अधिकांश सही पाए गए, गुणवत्ता विहीन थे। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी इस प्रकार के निर्णय बदले गए हैं और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो इनके पास, अब मैंने पहले ही कहा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इसी प्रकार की बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।